अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप पर गाज गिरने की शुरुआत हो चुकी है। महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वोटिंग शुरू हो चुकी है। यहां से महाभियोग प्रस्ताव पर मोहर लगने के बाद मामला सेनेट में भेजा जाएगा। जो हालात बन रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि ट्रंप को 20 जनवरी से पहले पद से हटाया जा सकता है। उधर दूसरी तरफ प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन की ओथ टेकिंग सेरेमनी पर भी सस्पेंस बन गया है। सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए ट्रंप ने कैसे सबसे ताकतवर मुल्क में हड़कंप मचा रखा है। कभी जिसके ऑर्डर पर दुनिया के किसी भी कोने में अमेरिकी सेनाएं एक्शन में आ जाती थी, जिसके एक इशारे पर पूरे अमेरिका में हड़कंप मच जाता था, उन्हीं प्रेसिडेंट ट्रंप को बेआबरू होकर व्हाइट हाउस से निकालने की तैयारी है। कैपिटल हिल हिंसा के बाद अमेरिका में ट्रंप सबसे बड़े विलेन बन चुके हैं। महाभियोग के जरिए उन्हें व्हाइट हाउस से रुखसत किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही ट्रंप पर दनादन गाज गिराई जा रही है। ट्रंप का टोटल बॉयकॉट कर दिया गया है। फेसबुक पर ट्रंप बैन है। ट्विटर ने ट्रंप का अकाउंट हमेशा के लिए बैन कर दिया। यूट्यूब ने ट्रंप पर एक हफ्ते का बैन लगा दिया। सिग्नेचर बैंक ने बंद किया ट्रंप का अकाउंट। ड्यूश बैंक ने ट्रंप के दो करीबियों को बाहर निकाला। बैन से बौखलाए ट्रंप धमकियां दे रहे हैं। खुद पर महाभियोग प्रक्रिया से भड़के ट्रंप ने अमेरिका की राजधानी में इमरजेंसी लगा दी है, जिससे 20 जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह पर सस्पेंस बढ़ गया है। इमरजेंसी के दौरान किसी के आने जाने की इजाजत पेंसिल्वेनिया एवेन्यू में नहीं होगी। ऐसे में जो बाइडेन शपथ कहां लेंगे, इस पर कयास लगाए जा रहे हैं। प्रेसिडेंट इलेक्ट भी ऐसे सवालों से सामना कर रहे हैं। ट्रंप के साथ कैपिटल हिल में हिंसा में शामिल लोगों पर सख्ती शुरू हो गई है। ट्विटर ने बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए क्यूएनॉन संगठन के 70,000 से ज्यादा अकाउंट सस्पेंड कर दिए हैं। ये संगठन ट्रंप का कट्टर समर्थक है। क्यूएनॉन एक अति दक्षिणपंथी समूह है। साल 2017 में यह संगठन वजूद में आया था। इस समूह के फॉलोअर्स डेमोक्रेट लीडर्स से नफरत करते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया तेज होने के साथ ट्रंप पर अपने कार्यकाल के पहले ही पद छोड़ने का जबरदस्त दबाव है। कैलिफोर्निया के पूर्व गवर्नर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने भी उन्हें अमेरिकी इतिहास का सबसे निकम्मा लीडर बताया है। ट्रंप के नाम पर अमेरिकी संसद में लेटर वॉर चल रही है। स्पीकर नैन्सी पेलोसी ट्रंप को हटाने पर अड़ी हैं, जबकि उपराष्ट्रपति माइक पेंस 25वें संशोधन के इस्तेमाल से इनकार कर रहे हैं। अमेरिका में महाभियोग की पूरी प्रक्रिया जटिल है। हालांकि ट्रंप का चाल चरित्र ऐसा है कि उनके खिलाफ उनकी पार्टी में भी फूट पड़ चुकी है। ऐसे में मुमकिन है कि जाते जाते भी ट्रंप को रुसवाई ही मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।